मैं एक करंट अफेयर्स शो होस्ट करता हूं थ्रू आउट द ईयर। असल में प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ कह लें कह लें एक्सट्रीम बहुत हो गया है कि किसी आर्गुमेंट पर बात करने की गुंजाइश इस मुल्क में कम से कम होती जा रही है कि यहाँ पर एक सवाल होता है और सामने से जवाब के बजाय गुस्सा आता है, इश्तियाल होता है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी ऑल शुड लर्न टू अग्री टू डिसएग्री। एवरीवन कैन हैव हिज और हर ओपिनियन एंड वी ऑल शुड लर्न टू लिव विद इट। तो को एग्जिस्टेंस और पेशेंस वाली बात जरूर होनी चाहिए। यकीनन आप इन लोगों की जितनी आप रिसर्च करते हैं पढ़ते हैं तो कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हुई कहीं नहीं, सब इख्तलाफात भी होते हैं। कितना मुश्किल है न्यूट्रल रहना कि यार मैंने न्यूट्रल होस्टिंग करना है, मेरा जो काम है उसमें अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूं तो फिर मैं बद्यानती कर रहा हूं। इतना ही बुरा काम है जितना बुरा काम चोरी है या करप्शन है कि मैं दूसरों को दर्ज दूं और खुद में मेरी जजमेंट गलत हो सकती है लेकिन मैं अपनी रिसर्च और उसके बाद जिस चीज को सही समझूं उसको सही कहना, उसको गलत समझूं उसको गलत कहना, ये बहुत जरूरी है। न्यूट्रल रहना फिर भी थोड़ा आसान है, न्यूट्रल समझा जाना ये तो तकरीबन नहीं होता। इस तरह के अल्फाज मेरे लिए नहीं, मेरे किसी मेहमान के लिए नहीं बल्कि आप किसी के लिए भी कहेंगे, आई विल नॉट अलाउ यू to use these kind of words, you better not use these kind of words again in my show. Break ke baad wapas aate hain. People's Party, PMLN, PTI, MQM, ANP, inka numainda aur inka agent hone ke saath saath taaza tarin ilzaam abhi ye laga hai ki CNN ke agent hain hum, jo main jo Biden ke liye kaam kar raha hu. Subhanallah. Bas dekhe main program mein koi badtamizi nahi karna chahunga. एजेंडा बेस्ड बात ना हो, जो बात मेरे यहाँ है दिल में है वो बात ही मेरे, वो बात गलत हो सकती है लेकिन मेरा बात में कन्विक्शन हो कि यही बात मेरे ख्याल में ठीक है तो मैं बात करूँ। मैं आपके कहने पे, आपके कहने पे, उनके कहने पे, उनके कहने पे बात करूँ।